लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का 30 डेज 30 स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ की मतलब बहुत काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरी बता सकते हो, या फिर मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे जिस स्टोरी के बारे में मुझे बहुत गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक कर देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्टोरी। पिछले कई दिनों से हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। पहले लगता था उसने सुसाइड कर लिया, बाद में न्यूज़ निकल के आई कि उसका मर्डर किया है। सच क्या झूठ क्या वो हमें नहीं पता और वो जल्दी पता लगेगा, लेकिन अभी अभी 2-3 महीने के बाद न्यूज़ आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एडिक्ट था और उसमें डिप्रेशन में चला गया था, उसके वजह से उस पर ट्रीटमेंट भी चालू थी। तो उसी न्यूज़ पे सोचते मुझे ऐसा लगा कि यार इतना बड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल इंसान था, अच्छी सोच रखता था, लेकिन फिर भी इस झमेले में कैसे वो आ गया, इसके लपेटे में कैसे आ गया, ये ड्रग्स और ये सारी सो कॉल्ड ग्लैमरस चीज़ों के बीच में कैसे आ गया। तो मुझे लगता है ये हमारे सोसाइटी में और समाज में भी एक ऐसा एक स्टेटस सिंबल है कि अगर हम दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, तो हम बहुत बड़े कूल हैं और न जाने क्या हमें लगता है। तो ये चीज़ करने से आप ना कूल बनते हो लेकिन आप फूल ज़रूर बनते हो, ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन मैंने भी एक बार शराब पी थी और कैसी पी थी वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो मैं बिलोंग करता हूँ एक फार्मर फैमिली से और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसकी वजह से हमारे घर में ना कोई शराब पीता था और उसका हमें कोई सीधा प्रभाव भी नहीं था कि हम दारू पिए और उस साइड में जाए। तो मुझे कौन सी चीज़ों का एडिक्शन है, मैं कौन सी चीज़ों का नशा करता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि लोगों को कुछ दारू का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, इन लोगों को अलग अलग नशे होते हैं, लेकिन मुझे जो नशा है वो है घूमने फिरने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, बुक्स पढ़ने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, मेरी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मैं जब मेरी सैलरी जितनी भी सैलरी थी उसमें से मैं आधी सैलरी से मैं बुक्स पर खरीदता था और वो पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुक्स की मेरे पास बहुत कलेक्शन है, उसकी स्टोरी मैं आपको एक दिन नहीं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैंने लाइफ में बुक्स कलेक्ट करके रखी है और जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं बुक्स पढ़ूंगा, और क्योंकि उससे मुझे नई दुनिया एक्सप्लोर करनी मिलती है, नए थॉट्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में कर सकते हो, एक बार आपको बुक्स का एडिक्शन हो गया तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते, आपको हर रोज़ एक नई स्टोरी, आपको नई उम्मीद और नया मोटिवेशन लेके जाएगी। मुझे एडिक्शन है नए नए गैजेट्स का, लाइक आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में कि मैंने नए नए गैजेट्स लिए, मैंने सेविंग्स में से अपने खरीद ली, जिन चीज़ों का मुझे बहुत पहले से मुझे उसका डिज़ायर था, वो लेने की डिज़ायर थी कि मैं भी लूँ, मुझे बहुत कैमरेज का, कैमरा गियर्स का और ये वीडियो मेकिंग जो एक्सेसरीज रहती है उनका बहुत शौक था पहले से। तो वो सब चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली और एक अच्छा खासा यूट्यूब स्टूडियो बना दिया है, उसका मुझे एडिक्शन है। और नई चीज़ें ढूंढने का, नई लोगों के साथ मिलने जुलने का मुझे एडिक्शन है, मुझे कभी भी शराब और ये सिगरेट इन चीज़ों का कभी एडिक्शन नहीं हुआ। हाँ, एक बार मैंने मेरी लाइफ में दारू पी है और उसका मुझे बहुत मतलब रिग्रेट नहीं कर सकूँगा, वो मेरी उम्र बहुत मतलब कच्ची पक्की थी और उस दिन मैं रहूँगा 8-9 साल का मेरे ख्याल से, लेकिन आज भी मुझे हंसी आती है कि वो दिन था संडे, स्कूल को छुट्टी थी और हमारे घर के सब लोग खेती में गए थे, मेरे दोस्त के पिताजी ड्रिंक्स करते हैं, उनके घर के कबर्ड में वो दारू की बोतल रखी थी और दारू की बोतल मतलब पूरी ख़त्म हुई थी और जो अंत में अगर एंड में अगर छोटे बहुत
एक दो मतलब एक दो बूंद ही पकड़ लो, एक दो बूंद जिसमें दारू या एक दो बूंद शराब उसमें बची थी। तो मैंने क्या किया, क्यूरियोसिटी से जाके वो बॉटल ले ली और खोल ली। मतलब उसको ढक्कन नहीं था, जो ढक्कन रहता है लेकिन वो निकलता नहीं, उसमें शराब तो निकलती है लेकिन वो ढक्कन नहीं निकलता। तो वो ढक्कन मैंने खींच ऐसा ऊपर करके उसमें से एक बूंद ऐसे चक के देखा, एक ही बूंद था बॉटल में। तो मैंने चक के देखा तो मुझे थोड़ा बहुत खट्टा या ऐसा कुछ तो लगा, खट्टा और थोड़ा सा एक लाइक सॉल्टी कुछ लगा ऐसा। तो फिर मुझे उसका स्मेल बहुत मतलब वियर्ड आया, तो फिर मैंने झट से वो बॉटल वहाँ पे रख दी और फिर घर चला गया। और घर जाने के बाद मुझे बहुत ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा कुछ कांड किया है। तो मैं सीधा हमारे घर में सो गया ताकि अगर मुझे अगर नशा आती है या फिर मैं गिर जाऊंगा कहीं पे तो, या फिर मुझे उल्टी आ जाएगी, ये चीज़ें मैंने सुनी थी किसी से। तो ऐसे सब सोच सोच के मैं घर में बहुत डर गया था कि अगर किसी को पता चलेगा मैंने ये शराब पी है तो बहुत बड़ी ये हो जाएगी और मुझे डांट भी पड़ सकती है, मार भी पड़ सकती है। तो फिर मैं घर में ही एक जगह पर बैठ गया और बैठते बैठते मुझे मतलब नींद ही लग गई। और जब मेरी नींद खुल गई तो मुझे कोई उस शराब का कोई मेरे पे इफेक्ट नहीं आया था। तो मैंने सोचा भाई अभी बच गया, इसके बाद मैं लाइफ में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। तो ये मेरा था इंसिडेंट लाइफ में, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने जब शराब पी थी। और तब से आज तक मेरी उम्र है 26, तो अभी तक मैंने कभी भी शराब या सिगरेट नहीं पिया है, तो इसका मुझे बहुत गर्व होता है। तो आप भी सोच सकते हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छी लगी है तो फिर डिसलाइक कर सकते हो। इसके रिलेटेड जो भी आपके थॉट्स है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दिस इज सागर द व्लॉगर साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ नए एपिसोड में। टिल देन सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ।